ग्यारहवीं क्लास वाले सभी बच्चे और अभिभावकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज लेसन नंबर 2 का ही विभाग का जो एग्जाम्पल है वो समझाने जा रहा हूँ। एक पाठशाला में 850 विद्यार्थी थे, टोटल विद्यार्थी 850। इसमें 3 कक्षा है, 10, 11 और 12 में विद्यार्थियों के अनुपात 8:5:4 है। तो कक्षा 10 में 30% विद्यार्थी लड़के थे, क्या कक्षा 11 में लड़के व लड़कियां समान संख्या समान थी, जबकि कक्षा 12 में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुने थी। इस सूचना को कोष्ठक में परिवर्तन करना है। तो पहले जो कक्षा है 10, 11, 12, तो उसका नीचे गणना करना चाहिए, फिर बाद में कोष्ठक बनाना चाहिए। तो 10 में जो कुल विद्यार्थी थे इसका अनुपात है 8+5=13, 13+4=17। अभी 10वीं का निकालना हो तो 8/17 × 850 तो 400 आएगा। अभी लड़कों की संख्या 30% है, तो 850 × 30/100 तो 255 आएगा। तो पहले कोष्ठक में लड़के है 255, ये 400 में से घटाव कर दो 145 लड़कियों की संख्या। तो पहला 10वीं में लड़का लड़की कितने हैं ये आपको मिल गया। उसी तरह 11वीं कक्षा में क्या बोले हैं, लड़के और लड़कियां की संख्या समान थी, लड़के और लड़कियां की संख्या समान थी। तो 5/17 जो पहले 10वीं में 8, 11वां का अनुपात 5 और 12वां का अनुपात 4, એટલે ये जो अनुपात के ऊपर से लेना है कि 5/17 × 850 टोटल विद्यार्थी तो 250 आएगा। 250 समान है, इसका मतलब है 250 को 2 से भाग कर देंगे तो 125 आएगा, એટલે 125 लड़के और 125 लड़कियां। उसी तरह कक्षा 12 में 4/17 × 850 तो 250 आएगा। लड़के की संख्या 3/4, माना कि ये 4 है, इसमें कितना 3 गुनी है ना, 12वीं में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो 3/4 × 200 जो कुल संख्या है, कुल संख्या कितनी आई, ये 4/17 × 850 50 × 4=200, ये 200 है, એટલે 200 में 3 गुना, એટલે 4 में से 1 गुना, એટલે 3/4 × 200 તો 150 આવેગા। और 150 આવેગા તો લડકે की સંખ્યા 3/4 × 200, લડકીઓ की સંખ્યા 1/4 × 200 તો 50, એટલે 200 આ જાયગા। ઉસ તરહ એક છોટા સા એક્ઝામ્પલ દૂસરા લિયા હૈ। एक कॉलेज में 1500 विद्यार्थी है, इसमें 900 लड़के थे, उसमें से बस 250 लड़के विज्ञान प्रवाह में। विज्ञान प्रवाह में 250 वाणिज्य में, उसमें से 250 विज्ञान में और 250 वाणिज्य में लड़कियां। तो कौष्टक दर्शन हो तो आपका 250 और
900 है, 900 में 250 कर घटाव कर दो तो 650 वाणिज्य में आएगा, और 250 विज्ञान में है तो 1500 में से 900 घटाव कर दो तो 600 आएगा विज्ञान प्रवाह में। टोटल विद्यार्थी कितना आएगा? 600। 600 में 250 घटाव करो 350, तो आपका ऐसे एग्जाम्पल आ जाता है। उसको गणना भी करना, कौस्तक से दर्शाना, आप थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद, जय भारत।